बैलेंसिंग करना मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी कैसे करते हैं। फिर और देखिए यहाँ एच कितने हैं, यहाँ एच टू है, यहाँ ओ कितने हैं, यहाँ टू है। अब यहाँ एच कितने हैं, टू, ओ कितने हैं, टू इधर और वन इधर, थ्री। मैंने आपसे कहा ऑड नंबर है, पहले इसको इवन कर लो, टू का मल्टीप्लाई कर दो इधर। तो अब ओ कितने हो गए, टू, और टू फोर, ओ कितने हो गए, फोर। अब यहाँ ओ फोर है, यहाँ ओ कितने, टू, तो टू का मल्टीप्लाई इधर भी कर दीजिए। अब ओ टू टू जा फोर हो गए, और एच टू टू जा फोर हो गए, एच भी फोर, और इधर देखिए टू टू जा फोर, एच भी, यहाँ भी एच फोर हो गए। फिर और देखिए ध्यान से देखिए, एफ ई प्लस ओ टू फॉर्म्स एफ ई टू ओ थ्री। देखो बच्चों, अब यहाँ पे मैंने एफ ई कितने लिखे हैं, यहाँ पे मैंने एफ ई वन लिखा है, यहाँ एफ ई कितने हैं, टू। मैं इसलिए कंपेयर कराता हूँ, ये आपको करने नहीं है लेकिन आपको अच्छा समझ में आ जाए इसलिए कराता हूँ। ओ यहाँ कितने हैं, टू, यहाँ ओ कितने हैं, थ्री। अब सबसे पहले तो यहाँ एफ कितने हैं, एफ ई कितने हैं, टू, यहाँ एफ ई कितने, वन, तो हम टू का मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले जो इसमें दे रखा है मैंने आपको कि सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑड करना है, ऑड दे रखा तो इवन करना, तो टू का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टू का जब मल्टीप्लाई किया तो टू थ्री जा सिक्स, ओ मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे ओ थ्री है तो इसको इवन कर लिया, टू का मल्टीप्लाई कर दिया, टू थ्री जा सिक्स। अब यहाँ पर ओ कितने हो गए, सिक्स, यहाँ ओ कितने हैं, टू, तो यहाँ पर थ्री का मल्टीप्लाई कर दीजिए, थ्री टू जा सिक्स, यहाँ ओ भी सिक्स हो गए। अब यहाँ एफ कितने हो गए, फोर, टू टू जा फोर, तो यहाँ भी एफ कितने हो जाएंगे, फोर, फोर का मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर एफ पी प्लस थ्री टू, टू एफ पी टू थ्री। अब यहाँ पर एम जी कितने हैं, वन, ओ कितने हैं, टू, यहाँ एम जी कितने हैं, वन, एम जी कितने हैं, वन, ओ कितने हैं, वन। अब यहाँ ओ टू है, यहाँ ओ वन है, तो हम क्या करेंगे, टू का मल्टी कर देंगे। तो एम जी कितने हो गए यहाँ पर, टू, ओ भी कितने हो गए, टू, एम जी भी टू, ओ भी टू, तो यहाँ पर एम जी कितने हैं, वन, तो टू हो गए, ये टू एम जी भी हो गए, ओ भी टू हो गए, एम जी टू हो गए, ओ भी टू हो गए, तो टू टू एम जी प्लस ओ टू फॉर्म्स टू एम जी। क्लियर हो गया। आगे देखिए, जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब तक आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा तो पढ़ नहीं पाएंगे। एम जी प्लस एम टू फॉर्म्स एम जी थ्री एम टू, ये तो ईजी है। यहाँ एन कितने हैं, टू, यहाँ एन कितने हैं, टू इक्वल है, यहाँ एम जी कितने हैं, थ्री, यहाँ एम जी कितने हैं, वन, तो थ्री एम जी प्लस एन टू इक्वल टू एम जी प्लस। अब देखिए ध्यान से, अच्छे से क्लियर कल कल क्लियर कर लीजिएगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हुआ। अब एफ ई प्लस एस टू फॉर्म्स एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एस टू। अब देखिए यहाँ एफ ई कितने बच्चों, वन, यहाँ एफ ई कितने, थ्री, तो मैंने थ्री का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ वन थे, यहाँ थ्री थे, थ्री एफ ई हो गया। यहाँ ओ कितने हैं, वन, यहाँ ओ कितने हैं, फोर, मैंने फोर का मल्टीप्लाई किया ओ को इक्वल करने के लिए, तो फोर तो ओ होगा, यहाँ ओ फोर है। लेकिन यहाँ एच कितने हो गए, फोर टू जा एट, एट एच हो गए, इट मीन्स यहाँ एच कितने हो गए, एट, तो यहाँ फोर का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, फोर एच टू, तो फोर एच टू। अब एट यहाँ पर हो कितने हो गए, एट, तो यहाँ पर भी एट हो गए, वहाँ भी एट हो गए, तो थ्री एफ ई प्लस फोर एच टू फॉर्म्स एफ ई थ्री ओ फोर प्लस फोर एच टू। क्लियर।